हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शालिनी जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ काले चने। काले चने बनाने के लिए मैंने ये आधी किलो काले चने लिए हैं और मैं इनको उबालने के लिए रख दूंगी। ये मैंने एक दिन पहले भिगो लिए थे, अब मैं इनको उबालने के लिए रख दूंगी और करीब 9 से 10 सीटी लूंगी। मैंने रात को भिगोए थे और सुबह अब मैं इनको उबालने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ये काले चने बहुत फायदा करते हैं, इनमें बहुत ताकत होती है और आज मैं इसके साथ एक नया एक्सपेरिमेंट आपको करके बताऊंगी। जी हाँ, सांभर मसाले के साथ। सच फ्रेंड्स, सांभर मसाले से देखना आप इसका टेस्ट कितना दुगना हो जाता है। ये बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही टेस्टी बनेंगे फ्रेंड्स, तो आप बनाकर देखना मेरी स्टाइल से। सबसे पहले मैं इनको उबाल रही हूँ। ये हमने चढ़ा दिया है, इसमें नमक डाल दिया है, करीब मैंने इसमें 2 चम्मच नमक डाला है और अब मैं इसको चढ़ा दूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। 9 से 10 सीटी लूंगी। ये हमारे चने उबल गए हैं। अच्छे से उबल गए हैं। अब हम छौंक की तैयारी करेंगे। छौंक लगाने के लिए हमने ये 4 टमाटर लिए थे जो हमने इनको काट लिया है। 4 टमाटर मैंने इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और हरी मिर्च काट ली। मैंने 2 हरी मिर्च ली थी करीब, ये मैंने काट ली। आधे इंच का टुकड़ा लिया था मैंने अदरक का, अदरक भी काट ली है। और मसाले में चाहिए नमक, काला, सफ़ेद नमक तो हम पहले डाल ही चुके हैं, और ये लाल मिर्च करीब 1/2 चम्मच, जीरा 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं डालूंगी वो है सांभर मसाला। ये सांभर मसाला लिया है मैंने 2 चम्मच फुल। ये मेरा घर का ही बना हुआ सांभर मसाला है। और वहीं छौंक लगाने के लिए लूंगी मैं थोड़ा सा घी और 1 नींबू चाहिए खट्टा करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, छौंक की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया है। ये देख सकते हैं मेरी कढ़ाई गर्म हो रही है। गर्म होने पर मैं इसमें घी डालूंगी। तो सब उससे पहले मैं ये जो चने हैं उनको मैश कर लूंगी। ये मैं कुकर में ही मैश करने वाली हूँ। अच्छे से मैश कर लूंगी। ये मैंने मैश कर लिया है, मैश हो गए हैं अच्छी तरीके से। अब मैं छौंक की तैयारी करूंगी। ये मेरी कढ़ाई गरम हो रही है, मैं इसमें घी डालूंगी, करीब 2 बड़े चम्मच घी डालूंगी। ये मेरा घी गरम हो गया है, अब इसमें जीरा डालूंगी। जीरे के बाद ये धनिया पाउडर है, लाल मिर्च, हरी मिर्च, अदरक और ये टमाटर। थोड़ा सा काला नमक डाल दूंगी। काला नमक इसको ढककर रख देंगे 5 मिनट के लिए। हमारे टमाटर भी हो गए हैं तैयार, देख सकते हैं आप। अब हम इनमें जो हमने अपने छोले जो मैश किए थे वो हम डाल देंगे। ये हम अपने चने डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें हल्दी डाल सकते हैं, लेकिन हल्दी डालने पर कुछ
ज्यादा अच्छा कलर नहीं आएगा क्योंकि ब्लैक कलर होते हैं, तो हल्दी का कुछ इसमें पता नहीं चलेगा। इसको हम खदकाएंगे, एक उबाल आ जाएगी, दोबारा से इसको ढक देंगे और करीब 3 मिनट के लिए हम इसको खदकने के लिए ऐसे ही रख देंगे। ये हमारे देखिए उबाल आ चुकी है, अभी हम इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे, अभी पतले हैं, थोड़े से जब घुले मिले हो जाएंगे ऐसे ही खुला छोड़ देंगे और थोड़ा 5 से 10 मिनट अभी इसको और पकने के लिए रख देंगे, गाढ़े हो जाएंगे। ये हमारी सब्जी 5 से 10 मिनट मैंने इसको चला लिया, अब लास्ट में इसमें सांभर मसाला डालूंगी जो मैंने लिया था, क्योंकि सांभर मसाले से ही टेस्ट आता है, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, चने की सब्जी में इसी से ही टेस्ट आता है। और इसको डालने के बाद भी करीब मैं 1 से 2 मिनट और इसको चलाऊंगी, देख सकते हो आप ये गाढ़े हो गए हैं। और यदि आपको इसको गरम गरम नहीं खाना है, बनाकर थोड़ा ठंडा करके खाना है, तो आप इसको थोड़ा पतला ही रहने दें, क्योंकि लास्ट में क्या है ये थोड़ा गाढ़ी हो जाती है ये सब्जी, तो मैं तो इसको गरम गरम खाने वाली हूँ और साथ में अपने परिवार को भी खिलाने वाली हूँ। तो मैं अभी इसमें सर्व कर देती हूँ, ये बन चुकी है, मैंने इसको 1 मिनट इसको चला लिया था सांभर मसाला डालने के बाद। मैं गैस बंद कर दूंगी और इसको निकाल लूंगी। ये मेरी सब्जी तैयार हो गई है, देख सकते हैं आप खाने के लिए। और आप चाहें तो इसको और अट्रैक्टिव करने के लिए थोड़ा सा, जैसे सर्विंग आपकी बहुत सुंदर लगे, तो आप इसको हरी मिर्चों से सजा सकते हो। ये हमारी खाने के लिए रेडी हो गई है फ्रेंड्स। इसकी सब्जी जो चने की है, अगर आप उसको ब्रेड के साथ खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगती है ये, और आप चाहें तो इसको चपाती या किसी भी चीज के साथ इसको खा सकते हो, लेकिन जो सबसे अच्छी लगती है ये ब्रेड के साथ ही अच्छी लगती है, तो नाश्ते में सबसे अच्छी चीज है ये, इसको खाएंगे तो बहुत टेस्टी भी है, और इसमें सर्विंग के समय आप इसमें नींबू निचोड़ दीजिए तो इसका टेस्ट भी भर जाता है। तो आप इसको बना के देखना एक बार, मेरे स्टाइल से बहुत टेस्टी लगती है। बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो हमारे चने हैं, जब उबालते समय हम इसमें पानी अच्छी मात्रा में रखें, क्योंकि हमें काफी देर तक इनको उबालना है, 8 से 9 सीटी लेनी है अच्छे से उबालने के लिए, क्योंकि इनको मैश करना पड़ता है। काले चने को मैश करना आसान नहीं है, उसको थोड़ी ताकत लगा के मैश करना पड़ता है, तो चने हमारे अच्छे से उबले हुए हों। और लास्ट में ये कि हम जब उसको कढ़ाई में जब चढ़ाते हैं तो हम उसको काफी अच्छे से खदकाएंगे, जिससे हमारे चने खदक जाए, और सांभर मसाला बहुत जरूरी है, इसी से इसका टेस्ट आता है। तो आप बनाइए इसको घर पर, और मेरी रेसिपी जो है वो आप शेयर कीजिए। थैंक यू।